स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मुझे पता है उसे कैसे भगाना। अरे तू क्या जब उसे पेंट से एलर्जी है। अच्छा अरे वो पेंट से और टर्पेंटाइन ऑयल से दोनों से एलर्जी है। चलो चलो छेती चल के ना शेगुन के कमरे की साफ सफाई रेनोवेशन करिए। हेलो। यस। क्या हो रहा है यहाँ, किसका काम चल रहा है? इनका। गॉड डस्ट। ये हटाइए। अरे मम्मा वो कारपेंटर का काम चल रहा है ना, तो जरा मेरी बच्ची का कैबिनेट बनवा देना। हाँ उसके बड़े सारे कपड़े हो गए। मम्मी जी बाहर ये सब क्या चल रहा है? पता है कि रमन ना इशिता की मेडल रखने के लिए कैबिनेट बनवा रहा है, तो मैंने सोचा तू सूट केसों में भर भर के कपड़े रखती है, तेरे लिए भी एक अलमारी बनवा दूं। So sweet of you, मम्मी जी। थैंक यू सो मच। लेकिन ओए मैं आदि के लिए भी कलमारी बनवा रही हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है। हाँ जितने बड़े इसके आंसू उतना बड़ा मेरी माँ का दिल है। वो कैसे अंदर है ना, मैं काम करती हूँ उन्हें अपनी आइडिया बना देती हूँ, फिर मेरे हिसाब से ही बन जाएगा। हाँ हाँ जैसे तुझे बनाना है ना उनको आइडिया दे दे वो बना देंगे। थैंक यू सो मच। मेंढकी को जुकाम होने वाला है। भैया। हाँ जी। ये शेड बहुत लाइट है, डार्क येलो होता है ना मैंगो येलो, प्लीज वो लगा देना। अच्छा परफेक्ट, थैंक यू। नीलू एक ग्लास ठंडा पानी देना। जी ना रूम रेनोवेट कराने की क्या जरूरत थी, कबर्ड ही काफी था। रियली आप मेरे और आदि के बारे में कितना सोचते? तो पुत्र मैंने सोचा शुरू ही कीता है तो पूरा ही टिप-टाप करा दिया। शगुन शगुन वो मुझे ना रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ना क्वेश्चनर फिल करना है, प्लीज हेल्प कर दो क्या? श्योर। हाउ स्वीट। अच्छा ऊपर रूम में है। ओके हाउ स्वीट। चिल्लाना पहले शुरू कर दी। तो मेरे सांस फूल रही है, इन्हें कुछ नहीं होया, ऐ क्या हो जी एलर्जी है? ओए तेरी खबरें गलत निकली यार, ऊपर से इतना खर्चा हो गया। एक मिनट, आपने इसमें टर्पेंटाइन ऑयल डाला है क्या? नहीं। ओए फिटे मुंह तेरा। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आपने टर्पेंटाइन ऑयल डाला ही नहीं है तो काम कैसे होगा? आपको टर्पेंटाइन ऑयल डालना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट बोलना था ना। अभी नहीं हो सकता क्या? अभी आप मिला दीजिए। नहीं मैडम जी, ये अच्छी कंपनी का पेंट है, इसमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती। हमको मत सिखाओ, ये पेंट में टर्पेंटाइन ऑयल डालो। डालो ना भैया। देख भाई तो ज्यादा सोच मत, सुन मेरी बात, ऐसा पेंट ला जिसमें भर भर के तेल डाले और जितनी ज्यादा स्मेल आएगी ना उतना अच्छा होगा। हाँ? हाँ? और देखो मैं रिकी को बोल के आती हूँ कि वो शगुन को बाहर लेके जाए। हाँ? हाँ? जा 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 जल्दी जल्दी चल भाई चल, पार्टर पंडा जो टेढ़ा भी है तेरा। हाँ, अभी स्मेल आ रहा है। तो वैसे इतनी शर्म वाली बात है, बस से शगुन को पता चल गया। इसी चंड चलाक औरत है वो, पक्का जाके मम्मी के वहां इतना रोला पा देना है। कुछ कर रोमी, कुछ हरिका
लड़के बचा सकती मुझे भी। कोई कुछ भी बोलेगा तो बोल दूंगा कि रोमी बच्चे पैदा कर सकते हैं। सारिका को ढूंढना पड़ेगा, एक बार सारिका मिल जाए तो सबसे बेइज्जती भी नहीं होगी। कहां मिलेगी सारिका, ढूंढना पड़ेगा। मद्रासन, तुमने तो शगुन को जीते जी फांसी दे दी यार। ओपन टाइम पॉलिश से उसे एलर्जी है, मैं भूल कैसे गया यार। सही है, दूसरे के दर्द पे मजे ले रहा है कोई। देखो, अगर जिसे हम सता रहे हैं वो इंसान शगुन जैसा होता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, मालूम है। और वैसे काम करो, मेरी क्या मजाल के घर की औरतों के खिलाफ जाऊं? एक तरफ मेरी बीवी है, माँ है, सास है, अब मरना है क्या किसी मर्द को कि तीन दिन औरतों से एक साथ पंगा लेगा? आप तो बड़े भोले है ना। अच्छा बाय द वे, मम्मी जी और अम्मा को क्या मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी तो लॉटरी खुल गई है। खूब मजे ले रहे हैं शगुन के। और तुम खुश नहीं हो रही? मुझे खुशी ऐसा कुछ नहीं है, उतनी खुशी नहीं हो रही। अच्छा, तो बताइए ऐसा क्या खास करें हम कि मैडम खुश हो जाए? शाम को घर जल्दी आ जाना। कुछ स्पेशल है? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ स्पेशल नहीं हो तो आप आके स्पेशल बना सकते हो ना। नहीं आना तो मत, और ठीक है, मुझे भी जल्दी रखना है फोन क्योंकि मुझे जाना है रूही को लेने। अरे नहीं नहीं नहीं, शाम को तो मुझे आना ही पड़ेगा, जो बड़ा घर के तुम लोग घर में कर रहे हो, कोई बेवकूफ होगा तो उसे मिस करेगा। बाय। फाइल भाई मिनट, एक मिनट। क्यों हीरो हीरालाल? छोटे बच्चन साहब, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपने कहा था लाइफ में आगे बढ़ना, सोच लिया अब आगे बढ़ना। नाइस वन, लाइफ में जितनी जल्दी आगे बढ़ेगा दर्द को उतनी जल्दी भूल जाएगा। वैसे कहाँ ले जा रहे हो उसे तू आज? आपको कैसे पता? मेरा जहाँ से तुम लोग खत्म होते हो ना वहां से मैं शुरू होता हूँ। एक नया थाई रेस्टोरेंट खोला दिल्ली में, टेकिंग अदर। बेटा थाई के चक्कर में पिटाई ना हो जाए, रूमी से टिप्स लेना, तेरे से अकेले नहीं होगा इसे। रूमी से टिप्स ली तो पक्का मार पड़ेगी भाई, इसे अकेले संभाल ले। भाई आपकी वरी मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाय। पता लगा हूँ सारिका का यार कहीं नहीं मिल रही कि एक फ्रेंड थी वो। हाँ मनीषा। हेलो रोमी, हल्ला मनीषा। हे मनीषा, वो सारिका। बड़े बड़े बेशरम देखे हैं बाय गॉड, पर तुझ जैसा बेशरम नहीं देखा रोमी। अब क्या चाहता है तू सारिका से? हाँ तुझ जैसे की वजह से उसने अपने घर का पता बदल लिया। ना उसका नंबर मुझे पता है, ना उसका घर का पता पता है। और वैसे भी अगर उसके घर का पता पता भी होता ना, तब भी मैं तुझ जैसे लीचड़ को तो नहीं देती। तू ये क्या बोल रही है? बस बहुत हो गया, आज के बाद अगर तूने मुझे या सारिका को ढूंढने की या परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो देख लेना तेरी कंप्लेन मैं सीधा पुलिस स्टेशन में करूंगी। Now get lost। बात तो सुन। क्या यार रोमी, तेरे पे बरस रहे, बड़ा हीरो बना फिरता था ले अब। तो शगुन ऐसी खतरनाक चाल चल रही होगी, वो तो फंस गया रोमी। कुछ कर यार। मामा ये देखो शगुन is so sweet, उसने मुझे कितनी amazing shopping करवाई। Good good, अबे देखती हूँ बाद में। हाँ। शगुन आजा भीतर आजा। और वो पेंटर है ना, वो तेरा पूछ रहा था, वो तेरा तूने क्या बताया था एप्पल वाला, वो मैंगो वाला। हाँ मैंगो। ओ देख पता नहीं खोते को समझ में आया या नहीं है, चंगी तरह नहीं कर रहा था, जरा देख ले। Oh my God! Achoo! God bless you! Chumaira!
पता नहीं क्या करें, अभी पेंट सूखने में तो काफी टाइम भी जाएगा। तू सूखने की बात कर रही है? अजय तो पूरे घर में पेंट होना है, फिर उधर डबल कोटिंग होनी है, फिर की करना है, सर्दियां है ते सूखने में टाइम भी लगना है, सर्दी लग जाएगी, की करिए फिर? तू ये चाहती है ना कि शगुन छीक छीक के मर जाए है? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अम्मा, I'm not feeling good. ये पेंट की स्मेल की वजह से मुझे कुछ हो रहा है। Let's just go home. घर चल। सुन सुन, एक काम कर दिया, तू ना शगुन को अपने घर ले जा। सही है, ये पेंट की स्मेल जब तक सूखती तब तक हमारे साथ रह लेगी ना, वैसे भी यही तो है, राइट अक्रॉस। आई थिंक यू शुड कम विद अस। हाँ देखना, ये कोई एक दो दिन की गल थोड़ी है, ये स्मेल जो है ना ये छेती नहीं जाती, तो फिर की करेंगे यार? मम्मी जी ऐसा करते हैं ना, तब तक इसको एक रेंट पे फ्लैट लेके दे देते हैं रमन भाई को बोल के, वही ठीक रहेगा तेरे लिए। हाँ, और वैसे भी एक इंसान को कितनी जगह चाहिए होती, एक कमरा काफी होता है ना रहने सोने के लिए। वन रूम में मैं और आदि कैसे, तो फिर क्या करेंगे हम? मम्मा, मेरी फ्रेंड्स ना गर्ल्स पीजी में रहते हैं, उनसे बात करूं? कैसे रहती है? डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग में उनसे बात करूं? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। ट्रिपल शेयरिंग नहीं, पीजी इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। फाइनल, शगुन मेरे घर में रहेगी। चलो शगुन, मांगो। पर आदि मेरे बिना, ओ यार देख तू किधर और लेके जाएगी, फिर डॉक्टर कुछ कहेंगे, और फिर ये केड़ा दूर है, सामने तो हैगा, एको ही गल है ना। I'm so sorry. तुम्हारे पैतरे तुम्हीं पे इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या करूँ? शुरुआत तुमने की थी, अंत मैं करूँगी। तुम्हें रमन की ज़िंदगी से इतना दूर करूँगी ना कि तुम कभी लौट के वापस नहीं आ पाओगी। I'm so sorry, पर मज़ा आ रहा है। मद्रासन, तुमने किया कैसे? By God, तू कारगिल चली जाए, सामने वाले सरेंडर कर देंगे। I don't believe इस तुरंत वो घर से कैसे निकला? भरोसा नहीं हो रहा? How? यकीन हुआ? रियलिटी है, सपना नहीं। मतलब टर्पेंटाइन ऑयल ने अपना कमाल कर दिया ना? और तेलों की मैं पता? आप भूल गए? बादाम वाला दूध जो पिया हूँ बचपन से। ओए हाँ, दिमाग चलता है बादाम वाले दूध से, ठीक है। एक बात मान लो माँ, आप लोग धन्य हैं। The women power. क्या हुआ? कोई स्ट्रेस है? नहीं तो क्यों? जब रूही स्ट्रेस में होती है ना, वो भी ऐसी नाखून चबाती है। आप भी वही कर रहे हो, जैसा बाप वैसी बेटी। अच्छा है ना, डीएनए की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन है? तो ये बात है। क्या? तो जो बात करनी है सीधा बोल दो ना, पिक्चर देखने जाना ना तुम्हें, तो मैसेज क्या कर रही? डिलीट। अरे तुम्हें ना मैसेज किया था, डिलीट क्यों किया? तो मैं बोल रहा हूँ चलना तो चलो। नहीं नहीं नहीं, जाना है, आपका काम जरूरी है, आप वो करो, बाद में जाएंगे। अच्छा सुनो, एक काम तुम भी कर लो, नीलू से मैंने कहा था कॉफी बनाने के लिए, आधा घंटा हो गया, देखो ना प्लीज कितना फर्क है ना तुम में और शगुन। ये शगुन होती तो पूरा घर सर पे उठा लिया था उसने। And look at you, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती।
जी ये आपका सामान किधर रखूं मैं? बस यही रख दे। और कुछ चाहिए? अरे नहीं यार, कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगी, अब जाए यहाँ से। कहाँ फंस गई मैं? अब मुझे इशिता के माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। मेरी लाइफ में चल क्या रहा है? अशोक उस मीका के साथ, रमन इशिता के साथ, और मैं मौलन हूं। कोई नहीं है मेरा और राधिका। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या होगा मेरा सिक्योरिटी का? लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? शीता को तो मैं देख लूंगी। The hell does she think she is? I just have to do something. शागुन, ये पड़ी एरिक है? सब ठीक है ना? यानी स्टी सिंग? Yeah, better, much better. कुछ खा लो। नहीं थैंक्स आंटी, मैं बाद में खा लूंगी। शागुन, डोंट माइंड है, एक बात बोलू। तुम हमारे घर में रह रही है तो तुमको इधर के कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। रूल्स? ये घर में नॉन वेज नहीं बनता, ओनली वेजिटेरियन। नो प्रॉब्लम, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ले ले, नो ऑर्डर। ये घर के अंदर नॉन वेज स्टेप नहीं कर सकता, परिंजदा। आप मत खाना, मैं खा लूंगी। माय ओन माय रूल्स। तुमको प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। सैरी, फाइन फाइन, थैंक यू। आराम कर। अच्छा, ये सब इशिता ने जानबूझकर किया है। डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई चाल है। लेकिन इशिता, रोमी की कमजोरी मेरे पास है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखना आगे आगे क्या होता है। मांगो। अरे तुम्हारी आइलैश है, तुम मांगो ना। शेयर करते विश। ठीक, चलो एट द काउंट ऑफ 3, 1, 2। अरे विश मांगो बाद में। ओके चलो ठीक। आई विश की शिता तुम ऐसी हमेशा खुश रहो, और तुम जो मांगो तुम्हें मिल जाए। आई विश की रमन आप हमेशा खुश रहे और आपके मन की हर बात पूरी हो। क्या मांगा? विश नहीं बताते, नहीं तो पूरी नहीं होती है। अच्छा, वैसे पूरी हो जाती? हाँ, ये वाली पूरी होगी, I'm sure. देर से मुझे भी पता चली जाए। अच्छा, और कुछ चाहिए? बताना क्या मांगा। मुझे लगा था आप बोलोगे सुकून चाहिए। तो जब तक तुम जिंदा हो मिल ही नहीं सकता। मालूम था। तुम नहीं जानती, जिंदगी में पहली बार सुकून मिल रहा है। हमारा प्यार जिंदा है, बच्चे खुश हैं, और शगुन, शगुन को तो तुम्हारी अम्मा ठीक कर देगी। आखिर है तो तुम्हारी अम्मा। बस ये नजर लग जाए खुशियों में किसी। विश्वा, यो ये ऑफिस का काम घर में। अरे बड़ी हो माँ। बस बस 15 मिनट में खत्म करता हूँ। ले ले, अन्न बेंडा, बहुत हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी काम काम। ये तो रमन का क्रेडिट कार्ड है नहीं दीदी? एवरी डे इतना खर्चा, रमन डेली इतना खर्चा क्यों कर रहा है? ये क्या हो रहा है? अनिल है मधु, ये एकदम गलत बात है। अरे ये ऑफिस की फाइलें हैं, ये सब तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। जाओ तुम अपना काम करो। ये इतना पैसा रमन किस पे खर्चा करता है? ईशु को पूछना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।